शिक्षा भूमि संस्थान YouTube चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका आगामी खेल से संबंधित है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। बहुत सारे भाइयों को याद करने में दिक्कत होता है, तो चलिए हम आपको ट्रिक से याद करवाएंगे और सब के सब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कैमा है वो भी, और कब होगा जो और कहाँ होगा जो, सभी आपको याद हो जाएगा। आप जो है सिर्फ लास्ट तक बने रहिएगा, सब के सब आपको याद होगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, एशियाई खेल है, फीफा फुटबॉल विश्व कप है, फिर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है और शीतकालीन ओलंपिक है। ये सभी आपको याद हो जाएगा, सिर्फ ध्यान से सुनिए। पहला जो लिखा हुआ है एशियाई खेल, तो देखिएगा, देखिए 18 से हम इसलिए लिखे हैं ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो। देखिए 18 में 18 है, 18 में 18 है कोची एशियाई खेल, है ना। देखिए एशियाई, सिया लड़की को नाम रहा था, एशियाई आई तो उसको कुछ देना पड़ेगा ना। हाँ, तो देखिए जहाना दो रिया, देखिए लिख रहे हैं कहां लिखे, यहां लिख देते हैं जहाना दो रिया। ध्यान दीजिए, जो जहानाबाद जिला है बिहार में, और आप जानते हैं कि जो जहाना बाद के जो लोग रहते हैं वो कभी कभी जहानाबाद को जहाना भी बोलते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा कैसे याद रखिएगा, 18 में 18 है, ओकर बाद जो है चार चार जोड़ते जाना है, 8 4 12 12 4 16 16 4 20 सॉरी 16 4 यानी 26 4 30 30 4 34। ये देखिए ये 22 वाला जो है कहीं कहीं 23 भी देगा, ध्यान दीजिएगा। तो 22 23 आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, एशियाई जहाना दो रिया, एशिया आई जहाना दो रिया, इसे ना बोलता है उन जो मालकिनी की पुत्री का नाम जो है रिया है, तो उनके पिताजी क्या कहते हैं कि एशिया आई जहाना दो रिया, जहाना जो है वो दे दो किसको, रिया, रिया को बोल रही है, बोल रहे हैं वो कि जहाना दो रिया, है ना। तो किसको, तो एशिया को। तो एशियाई खेल 2018 में जकार्ता में, जस जकार्ता, हा से हांगजू, ना से नागोया, दो से दोहा और रिया से रियाद, ठीक है। तो 18वां एशियाई खेल 2018 में जकार्ता, 19वां एशियाई खेल 2022 में कहां, हांगझू, और 20वां एशियाई खेल 2026 में नागोया, और 21वां एशियाई खेल 2030 में दोहा में, और 22वां एशियाई खेल 2034 में रियाद में। तो ये आपको याद हो गया होगा। चलिए अब यहाँ आते हैं, 21वां और 22वां लिखा हुआ है फीफा फुटबॉल विश्व कप। अभी जो है आपका 2022 वाला जो है इसका विजेता जो है अर्जेंटीना रहा, अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना रहा, अर्जेंटीना जो है इसका विजेता रहा, ठीक है, अर्जेंटीना। तो उप विजेता कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, उप विजेता जो है कौन है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, तो कैसे याद रखिएगा, मान लिया जाए कि फीफा कोई फूफा है ना, तो फूफा जो है फुटबॉल विश्व कप खेल रहा था, है ना, और वो हारा ना, तो क्या हुआ, रूस करके कट गया, रूस करके जो है कट गया, तो कट गया, तो अल्थिन उनकर मौसी कानित, कानित है ना, अल्थिन उनकर मौसी कानित, अल्थिन से अमेरिका, मौसी से मेक्सिको और कानित से कनाडा, ठीक है। ध्यान सुनिए, फीफा फुटबॉल विश्व कप 2018 वाला जो है रूस में होगा, है ना, तो फुफवा जो है रूस के कट गेले, है ना, आप जानते हैं फीफा फुटबॉल में मिलता है, तो फुफा जो है रूस के कट गेले, तो अली मौसिया कानित, अली मौसिया कानित मतलब फुफा जो थे वो जो है रूस के कट गए, तो उनकर मौसी जो है आए उनकर मौसी कामते, है ना, तो अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा, ठीक है। अब देखिए ये जो है 21वां है, 21वां का तो 18 में, तो देखिएगा कैसे इसको याद रखिएगा, तो 21 वाला 18 में, इसे 18 से आप याद रख सकते हैं, ये वो याद रख लीजिएगा, तो उसमें बाकी जो है आपको जोड़ते जाइएगा, काम बन जाएगा, 8 4 12 12 4 16 इस तरह से 18 18, है ना, ऐसे हूँ। देखिए फिर मान लीजिए कि हम बता रहे जिस अनुसार से, मान लीजिए कि फुटबॉल में जो है ना फीफा कहता है कि फुटबॉल में वही खिलाड़ी रहेगा जो 18 साल कम से कम होना चाहिए, है ना, तो 18 यहाँ से धर लीजिएगा, है ना, तो 18 साल के था फुफा, रूस करके जो है कट गया, तो अली मौसिया कानित, है ना, इस तरह से याद रख लेना है।
अब देखिए 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, यहाँ जो है आपको बिल्कुल ढंग से याद हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। अब देखिए ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मी, गर्मी के दिन में जो है लोग टोपी लगाते हैं, टोपी लगाते हैं ना, क्यों, क्योंकि धूप से बचने के लिए। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है टोपी लाबे गया है, ना पूछता है कि फलनवा कहाँ गए लोग, तो टोपी लाबे गए लोग, कहा लगी तो गर्मी के समय ना है पहने लगी है ना, तो पहनने के लिए पहनने के लिए टोपी लाबे लाबे लाबे, आप समझ जा रहे होंगे। तो ग्रीष्मकालीन 32वां, आप देखिए 32वां जो है ये 20वें, ये कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, देखिए 3 और 2 5, देखिए 3 और 2 5 और 5 चौके 20, 3 और 3 6 6 चौके 24, 4 और 3 और 4 7 7 चौके 28, 3 और 5 8 और 8 चौके 32, याद हो जाएगा। तो ओलंपिक वाला में है ये, गर्मी वाला जो ओलंपिक है उसमें क्या करना है कि जो जितना जयमा रहेगा उसको जोड़ करके 4 से गुना कर देना, ठीक है। तो ये जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 20 में 24 में 28 में और 32 में, ये सभी टोक्यो, पेरिस, लॉस एंजल्स और ब्रिस्बेन, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया होगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जो है कैसे, एक बार फिर से आते हैं, ठीक है। तो एशियाई खेल है ना, तो जहाना दो रिया 18-18 में है ना, और बाद 4-4 जोड़ते जाना है, बात समझ रहे होंगे। आगे देखिए इसके बाद जो है यहाँ हम लोग हैं फुफवा वाला, तो 18 साल के फुफवा थे, रूस करके जो है मतलब हारे ना, तो रूस करके कट गए, ताइली मोसिया कानित है ना। फिर यहाँ का कैसे बताएं, यहाँ जो बताएं टोपी लावे कोची, ग्रीष्मकालीन में यानी गर्मी के दिन में कोची लाना है टोपी लावे है ना, और यहाँ कहवा है 32वां, तो 3 और 2 5 और 5 चौके 20, 3 और 3 6 6 चौके 24, इस तरह से कर देना है। अब देखिए यहाँ शीतकालीन में, जिसे देखिए गर्मी के दिन में जो है कोई भी लोग सोचते हैं कि चलो हम भी चलते हैं है ना, लेकिन ठंडवन में कुछ कुछ जो है बोलता है कि ना बहुत ठंडा, उन्हें जाएंगे ठंडा मार देगा तो फिर दिक्कत होगा है ना। तो ठंडा में जो है ना जितना जाता था ना पहले ओकरा से 2-2 कम जा रहा है, कैसे ध्यान दीजिए, देखिए 3 2 और 3 5, 5 चौके 20, तो 5 चौके पहले जा ले 4 से गुना करके जाते थे है ना, 2+3 ऐसे हम यहाँ किए हैं ग्रीष्मकालीन में, लेकिन यहाँ जो है ना हर एक में 2-2 कम जा रहा है, जैसे देख लीजिए 4 और 2 6 6 चौके 24, 24 में से 2 गया 22, फिर 5 और 2 यानी 2 और 5 7 7 चौके 28, 28 में से 2 गया 26, क्लियर हो गया। अब देखिए इधर कैसे याद रखना है, देखिए ठंडा के दिन में जो है, ठंडा के दिन है तो जैसे देखते हैं ना, कहता है कि ठंडवा में जैसे पूछते हैं कि आपके जो है हस्बैंड कहाँ गए, तो बोलते हैं कि हमार हस्बैंड जो है बहुत बिजी है ना, तो हस्बैंड जो है उनको कोई कोई जो है खास करके बिहार में जो है पिया बोलते हैं, पिया है ना, तो पिया जो है बिजी है कोची में मेले में, वो जो है वो ऐसा उनका बिजनेस है कि उनके पास रोज 2-4 आदमी रहता है मेले लगी उनका से है ना, तो मेले में है ना, याद रखना है पियावा जो है बिजी है कोची में मेले में, ये कोची में ठंडा के बात है, शीतकाल के बात है ना। और बाकी जो है हम बतेवे किए हैं, ग्रीष्मकाल रहेगा तो जोड़ के 4 से गुना और शीतकाल रहेगा तो जोड़ के 4 से गुना करके 2 घटा देना, बात समझ रहे हैं, इस तरह से जो है आपको याद रखना है, ठीक है। तो 23वां शीतकालीन ओलंपिक जो है 2018 में कहां, प्योंगचांग में, फिर जो है 24वां शीतकालीन ओलंपिक जो है 2022 में बीजिंग में, और 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026 में कहां, मिलान इटली में, ठीक है। तो ये सभी जो है आपको एग्जाम में आता है, पूछता है, और किन्हीं भाई का कमेंट आ रहा था कि आगामी जो खेल है उस पर जो है ट्रिक का वीडियो अपलोड कर दीजिए, तो कई दिन दो दिन उनका कमेंट आया था, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है इस वीडियो से संतुष्ट होंगे, अगर और इसमें कोशिश करेंगे कि और एक आध वीडियो दे दिया जाए ताकि उनको पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए। तो आज भर इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।